नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के अमहिया थाना के सुभाष चौक के समीप एक चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी सुनील साहू दुलहरा सिरमौर का बताया जा रहा है। पूरी घटना को लेकर सुभाष चौक स्थित डिसेंट इलेक्ट्रॉनिक के संचालक राजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात एक युवक उनके पास लैपटॉप बेचने के लिए आया था, जिसने उसकी कीमत 15,000 रुपये बताई थी, जिसमें से 1500 रुपये एडवांस लेकर वह चला गया था और आज बाकी के बचे पैसे लेने आया था। इससे पहले दुकान संचालक ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। आरोपी जब सुबह पैसा लेने आया तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरी घटना में आरोपी पर शक की सुई उस समय गई जब दुकान संचालक ने लैपटॉप के बैग को खोला तो उसमें लैपटॉप के अतिरिक्त कई अन्य चेक रखे हुए थे, परफ्यूम और अन्य दस्तावेज भी मौजूद थे। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसे यह पूछा जा रहा है कि आखिर उसने यह लैपटॉप कहां से चोरी किया और यह पूरा सामान पूरे दस्तावेज किसके हैं। दुकान संचालक की सक्रियता से चोरी हुआ सामान और लैपटॉप अब पुलिस की गिरफ्त में है। मेरा नाम राजीव वर्मा गुड्डू है। आज आप थाने आए, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि कल शॉप में अपनी शॉप में बैठा हुआ था, सिरमौर चौराहे मेरी दुकान है डिसेंट इलेक्ट्रिकल्स, मैं वहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास एक फ़ोन आया एक सुनील साहू नाम के बंदे का। उसने बोला लैपटॉप बेचना है। मैंने कहा आ जाओ दुकान, देख लेंगे, समझ में आए तो ले लेंगे। उससे मैंने बिल मांगा तो बिल नहीं दे पाया। कुछ मैंने सवाल पूछे कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया मुझे। तो मैंने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है ये, और उसको मैंने कहा कि भाई तो ले तो लेंगे तुम्हारा, लेकिन अभी ना ले पाएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो जिद करने लगा कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, अभी कुछ दे दीजिए बाकी कल दे दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, थोड़े से पैसे भी ले लो। मैंने 1500 रुपये उसको दिया और कहा बाकी पैसे कल आ जाना, मैं बैंक से निकाल के दे दूंगा और लिखा पढ़ी करा के दूंगा। फिर रात को मैंने जब उसका लैपटॉप खंगाला तो उसमें जो कुछ डाटा मिले, उसके अंदर कुछ चेक मिला मुझे उसके लैपटॉप के बैग में, तो मुझे मालूम पड़ा सूरत की कोई कंपनी है, उसका लैपटॉप है ये, क्योंकि उसमें कुछ लेन देन का ब्यौरा था। फिर क्या मिला? बैग में कुछ चेक मिले मुझे, एक बॉटल थी, एक परफ्यूम था और एक चार्जर था, बस इतना ही था लैपटॉप के साथ में। पूरा एक साथ आपको दे गया वो पूरा मुझे दे के चला गया था। अब कहाँ है वो? अब वो मेरे दुकान पे वेट कर रहा है फिलहाल मुझे बाकी पैसों के लिए। और मैं आ गया थाने यहाँ पे, मैंने सूरत में भी उस कंपनी का नंबर लिखा था चेक के बाहर, चेक के पीछे, तो मैंने उस कंपनी को फ़ोन लगाया तो मालूम पड़ा उस बंदे का नाम भी, उन्होंने बताया कि सुनील साहू यहाँ से चोरी करके भागा है हमारे यहाँ से और सिक्योरिटी पे था, अब वो इंतज़ार कर रहा है मेरा पैसे के लिए, और मैं आया हूँ थाने जिससे वो सही पकड़ा जाए, सही चोर पकड़ा जाए और सही आदमी के पास उसका सामान पहुँच जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव वर्मा गुड्डू है। आज आप अमहिया थाने आए हैं, क्या शिकायत है? जी प्रकरण एक ऐसा है कि कल मैं रात 8 बजे अपनी शॉप में बैठा हुआ था, सिरमौर चौराहे में मेरी दुकान है डिसेंट इलेक्ट्रिकल्स, मैं वहाँ बैठा था, एक फ़ोन आया सुनील साहू नाम के लड़के का, उसने बोला मुझे लैपटॉप बेचना है। हमने कहा दिखा दो, हो सकता कोई ज़रूरत का हो मेरे या उसको ज़रूरत हो बेचना तो मैं ले लूँगा। आया वो 15 मिनट में, मैंने लैपटॉप देखा और कुछ उससे बिल मांगा तो बोला बिल नहीं है मेरे पास, गुम गया है। मैंने कुछ और पूछा लैपटॉप के बारे में, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया मुझे, तो मुझे लगा ये कहीं चोरी का है। मैंने उससे थोड़ा सा ढंग से बात की और 10,000 में मैंने डील डन कर ली, 1500 मैंने उसको नगद दिए, ये बात कहकर कि मैं बाकी पैसे तुमको सुबह बैंक से निकाल के दूंगा और लिखा पढ़ी करा के दूंगा। वो पूरा लैपटॉप का बैग छोड़ के चला गया मेरे पास 1500 रुपये दे करके। उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे से मुझे फ़ोन लगाने लगा कि भैया कब मिलेंगे, तो हमने रात भर में डाटा खंगाला, डाटा कुछ लेन देन का था, उस लैपटॉप के बैग के अंदर एक कुछ चेक पड़े हुए थे जो कि सूरत की कंपनी के थे, उसमें से मुझे उस आदमी का नंबर मिल गया जिसका वो लैपटॉप है एक्चुअल में। मैंने उससे वो फ़ोन लगाया, कांटेक्ट किया तो मालूम पड़ा ये सुनील साहू वहाँ पे नौकरी करता था शायद गार्ड की, और वहाँ से लैपटॉप चोरी करके भागा है। तो मैं सीधा यहाँ पे अमहिया थाना आया शिवा अग्रवाल जी के यहाँ, तो साहब नहीं थे, गोविंदगढ़ गए हुए थे, तो मैंने यहाँ बात की और ये मेरे साथ गए वहाँ पे रंगे हाथों, उसको पकड़ा मेरे वहाँ पर पकड़े। ये मेरे दुकान आया था पैसा लेने के लिए, बाकी लैपटॉप का बाकी पैसा लेने के लिए, तो मैं इनको साथ में लेके गया वहाँ पे, वहाँ से इसको लेके थाने आया हूँ। अभी ये बता रहा है कि मेरा कुछ पैसा रह गया था। पहचान हो पाई है, कौन है, कहाँ जी? ये सिरमौर का रहने वाला है, नाम है सुनील साहू, कल मैंने इसका आधार कार्ड की फोटो भी खींच ली थी रात में। लैपटॉप वो सूरज की कंपनी है, कंपनी का लैपटॉप है वो। उनका मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम तो मुझे नहीं मालूम, अभी डिटेल उनकी नहीं मालूम है, लेकिन संपर्क हो पाया है? हाँ मेरा संपर्क हुआ है, 3-4 बार फ़ोन से बात हुई है। उनका ये कहना है कि मैं रीवा में भी मेरी मतलब यहाँ पे पहचान है सिक्योरिटी पे, तो मैं यहाँ से लैपटॉप ले लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, जिसका भी लैपटॉप है थाने में आके अपना ले जाएँ। क्या क्या बरामद हुआ है? मैं एक लैपटॉप है, साथ में चार्जर है, कुछ चेक थे साथ में जो ज़रूरत की चीज़ें, बाकी तो एक परफ्यूम पड़ा हुआ था, उसके अंदर एक बॉटल पड़ी थी। और जब सारा छोड़ के चला गया चेक, तब मुझे ज़्यादा शक हुआ कि चोरी का ही हो सकता है, नहीं तो कोई अपना बैग ऐसे कैसे छोड़ के जाएगा।
खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।